मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। आज कुछ नहीं बोलूंगा। क्या? हाँ, आज कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि आज की सेलिब्रेशन ये मेरी नहीं है, ये हमारी पूरी टीम की, हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सेलिब्रेशन है। आज बजाय कि मैं आपसे कुछ बोलूं, क्या आप मेरी टीम से मिलना चाहेंगे? क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से मिलना चाहेंगे? वो अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, चाहे वो सेल्स के हैं, फाइनेंस के हैं, एचआर के हैं, आईटी के हैं, टेक्नोलॉजी के हैं, या कोचिंग डिपार्टमेंट से हैं, एटीएल करते हैं, बीटीएल करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग। कोई विजुअल कंटेंट बनाता है, कोई टेक्सचुअल कंटेंट बनाता है। परिवार तो एक्चुअली दो प्रकार के हैं। एक परिवार तो ये जो मेरा इंटरनल परिवार है ऑर्गेनाइजेशन का, और एक परिवार ये 5 मिलियन का परिवार, ये बहुत बड़ा परिवार, पूरे देश का परिवार। ये आपसे तो मैं कमेंट बॉक्स में, सेमिनार में, वर्कशॉप में मिलता हूं, लेकिन इनसे आप नहीं मिल पाए। तो मैं चाहता हूं कि आज मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूं। आज ये लोग जिन्होंने बड़ी मेहनत करके 5 मिलियन परिवार को, आप सबको, हम सबको एक दूसरे से जोड़ा, आज आप इनसे मिलिए। आप सबके बिहाफ पे हम लोग मिलके 5 मिलियन की सेलिब्रेशन के लिए आए हैं। और बजाय कि मैं ज्यादा बोलूं, आज आइए चलते हैं इनसे मिलने के लिए। आज सारा देश डॉक्टर विवेक बिंद्रा और विदेश में भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा के वीडियोस देख रहा है, जिनसे उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। और ये बात सच है, मैं उनका एक 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 ये सपना है कि विदेश से बिजनेसमैन आए हिंदुस्तान में ट्रेनिंग लेने के लिए, जो कि अब सच भी होते हुए में दिख रहा है। क्योंकि हमारे लीडरशिप फनल के प्रोग्राम में, जो कि 6 महीने का एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम हो रहा है, उसमें विदेशों से भी लोग आके अटेंड कर रहे हैं। पिछले साल उन्होंने कम से कम 100 से ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, और जब से मैं उनको जानती हूँ तब से लेके आज तक वो कम से कम 500 नई किताबें पढ़ चुके हैं। यही कारण है कि वो पढ़ पढ़ के वो इतना अपनी सेल्फ लर्निंग पे इन्वेस्ट करते हैं, और यही कारण है कि उनका बनाया हुआ कॉन्टेंट, उनका बनाया हुआ फ्रेमवर्क्स, उनके बनाए हुए फॉर्मूलाज, स्ट्रैटेजीज कहीं गूगल पे अवेलेबल नहीं है। सब नया बनाते हैं, खुद बनाते हैं, पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात मेहनत करते हैं, खुद बनाते हैं। विवेक सर की जो मेंटल स्ट्रेंथ और जो उनका डेडिकेशन है उनके काम के प्रति, उनके गोल के प्रति, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है। मतलब मैं तो यहाँ से तक कह सकता हूँ कि ही इज़ नॉट ए ह्यूमन, ही इज़ ए सुपर ह्यूमन। उस चीज़ को, उस गोल को अचीव करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो इतनी मेहनत करते हैं, वो रात रात को सोते नहीं है, 3-4 दिन तक जाग के काम करते हैं, ऑफिस में रहते हैं, ऑफिस के बाद जब भी ट्रैवल कर रहे होते हैं हमेशा ऑफिस के टच में होते हैं। ऑफिस में ना होते हुए भी वो कंपनी हमारी इतनी ग्रो कर पा रही है। वो ऑफिस में मुश्किल से 3 या 4 दिन आते हैं एक महीने में, लेकिन कॉन्टीन्यूस काम पीछे से हो रहा होता है। ये इसीलिए क्योंकि हमने कुछ सिस्टम, कुछ प्रोसेस बहुत अच्छे से सेट किए हैं। और सबसे अच्छी बात कि जो हम सिखाते हैं वो हम सबसे पहले अपने आप पे इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट थिंग यार, बहुत ट्रांसपेरेंसी है। आप चाहें तो आप खुद जाके सीईओ से बात कर सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स है उसके लिए। विवेक सर को एक बार 25 दिन से फीवर आ रहा था, और उन्होंने फिर डॉक्टर को कंसल्ट किया। डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद पता चला उनके ट्यूबरक्लोसिस है। डॉक्टर्स उनको इजाज़त नहीं दे रहे थे कि वो जाएँ और ट्रेनिंग डिलीवर करें, बिकॉज डॉक्टर्स देख रहे थे कि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ ऐसी नहीं थी कि वो जाएँ पूरे दिन ट्रेनिंग सेशन दें और फिर वो आए। दे वर सेइंग दैट सर कुछ भी हो सकता है, वी कांट टेक दैट रिस्क। उन्होंने हॉस्पिटल से एम्बुलेंस ली और साथ में सर की वाइफ गई। विवेक सर वहाँ पहुँचे, क्लाइंट ने देखा कैनुला लगा हुआ है, तब उन्होंने विवेक सर से पूछा कि सर क्या हुआ। तब विवेक सर ने बताया मैं हॉस्पिटलाइज हूँ, मुझे ट्यूबरक्लोसिस है। लेकिन शायद उस फिजिकल स्ट्रेंथ से बहुत बड़ी उनकी मेंटल स्ट्रेंथ थी जिसने उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को ताकत दी, और वो हॉस्पिटल से गए ट्रेनिंग एरिया में, ट्रेनिंग डिलीवर करी और वो वापस आए। वो बड़े ही बड़े कठोर हैं अपने आप पे। अगर उन्होंने कहा है कि मेरे को दिन में 2 घंटे की लर्निंग करनी है, तो 2 घंटे की लर्निंग उनने अपने पे इन्वेस्ट करनी ही करनी है। ऐसा नहीं है कि वो अपने वीडियोस में या अपने ट्रेनिंग सेशंस में बोलते हैं कि 2 घंटा हर किसी को लगाना है। नहीं, वो सबसे पहले अपने पे, चाहे वो 18 घंटे काम करें, 2 घंटे उनको निकालना है, चाहे वो 1 घंटा 24 घंटे में से सोएं, 2 घंटा उन्होंने अपने आप पे इन्वेस्ट करना ही करना है। तो जो वो प्रैक्टिस वीडियो में आपको बता रहे हैं करने के लिए, हकीकत में वो अपने पे प्रैक्टिस करते हैं।
आई हैव नॉट सीन विवेक सर स्लीपिंग, आई हैव सीन हिम वर्किंग डे एंड नाइट. बाकी लोग अपने कंफर्ट में रहते हैं, विवेक सर इज ओनली वन पर्सन इन मोटिवेशन स्पीकर आई टेल यू जो अपने कंफर्ट के बाहर आते हैं. लेट द पार्टी बिगिन, लेट्स रॉक. शत्रुघ्न सिन्हा स्टाइल. Come one more time. पूरा दिन सेमिनार करते हैं, सेमिनार के बाद कॉन्फ्रेंस कॉल्स करते हैं क्योंकि वो एक साथ कई डिपार्टमेंट्स को स्पीयर हेड करते हैं. कॉन्फ्रेंस कॉल्स करते हैं, लोगों से मीटिंग करते हैं, कॉल्स करते हैं. उसके बाद रात को जब हम सब सो जाते हैं उस वक्त डॉक्टर बिंद्रा जगते हैं और वो अपना कंटेंट बनाते हैं, अपने फ्रेमवर्क्स बनाते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं. तो ये इतनी मेहनत करते हैं और ये 5 मिलियन का जो सफ़र है वो ऐसे ही तय नहीं हुआ. उसके पीछे उन्होंने कई रातें लगाई हैं, बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स उन्होंने लगाई हैं इस कंटेंट को बनाने के पीछे, जिसके वजह से आज हम 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे पहुंचे हैं. जब मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी उस समय हम आसानी से कॉर्पोरेट में जाके पैसा कमा सकते थे, बिकॉज होता क्या है, उनकी नीड होती है, उनके पास पैसे होते हैं, हमको बस कॉल अटेंड करनी है, उनसे बातें करनी है, उनसे कम्युनिकेट करना है, उनको बताना है नीड के बारे में, कुछ मेल्स कम्युनिकेशन करने हैं, वहाँ जाके ट्रेडिंग करनी है और पैसे लेके आना है. लेकिन विवेक सर का विजन एकदम क्लियर था कि हमको अब पैसों के पीछे जाना नहीं है, इस देश के लिए हमको उनके पास पहुँचना है जिनके पास आज तक कोई पहुँचा नहीं है, वो है हमारे एंटरप्रेन्योर, हमारे कॉमन मैन. हमने उनके लिए काम करना शुरू किया. आपने देखा होगा विवेक सर की वीडियोज़ पहले जो इंग्लिश में होती थी, सर ने वो भी पूरा चेंज करते उसको हिंदी में लेके गए ताकि लोग ज्यादा समझ सके उसको और अपने लाइफ में उतार सके उस चीज को. विवेक सर के विजन को लेके हम आगे चले और धीरे 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 ट्रेनिंग कर करके उनसे बात करते करते हमारा जो विश्वास जागा, तब हमको समझ आया कि एक व्यक्ति का अगर विजन क्लियर हो या उनका माइंडसेट क्लियर हो या उनका गोल क्लियर हो तो आपकी सफलता जरूर निश्चित होनी है. एक दफा हम कहीं से लौट रहे थे और हम कंटिन्यूस बैक टू बैक ट्रेनिंग्स कर रहे थे, एक शहर से दूसरे शहर से तीसरे शहर. और जब हम हवाई जहाज में लौट रहे थे दिल्ली वापस, तो मैं और मेरी पूरी टीम हम लोग सब सो गए थे. अचानक से मेरी नज़र उठी और मैं क्या देखती हूँ कि डॉक्टर बिंद्रा वॉशरूम के पास खड़े होके कुछ पढ़ रहे हैं. मैं उनके पास गई और मैंने धीरे से पूछा कि सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं खड़े होके? तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ रहा हूँ. तो मैंने उनको कहा कि ये कोई पढ़ने की जगह नहीं है खड़े होके, आप बैठ जाइए. तो उन्होंने कहा कि बैठ जाऊँगा तो सो जाऊँगा. मैं इतना थका हुआ हूँ, वो इतने थके हुए थे पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यूस काम करके, उन्होंने कहा कि अगर मैं बैठ जाऊँगा तो मैं सो जाऊँगा, मुझे नींद आ जाएगी. मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर कि जिस आदमी से मैं इंस्पायर्ड हूँ, जिसको मैं अपना गुरु मानती हूँ, जिसको मैं अपना मेंटर मानती हूँ, वो इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी लगन है उसके अंदर कि वो सो ना जाए इस बात के डर से खड़े होकर पढ़ रहा है. समटाइम्स ऐसा फील भी नहीं होता कि कंपनी सर की है, ऐसा फील होता है कि हमारी कंपनी है. डॉक्टर बिंद्रा की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि वो सब को रिस्पेक्ट देते हैं. वो सिर्फ एक बॉस नहीं है, वो एक मेंटोर है. हमें कोई भी किसी भी किस्म की दिक्कत होती है वो हमेशा हमें बताते हैं. बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक, लेट्स पार्टी.